करेंगे 4 हफ्ते 40 बड़े फैसलों की। जी हाँ, योगी 2.0 को एक महीना पूरा हो गया है, यानी कि 4 हफ्ते पूरे हो गए हैं। ऐसे में कई फैसले लिए गए हैं जिनका जिक्र हम इस कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दे। यूपी में भ्रष्टाचार और अपराध पर चल रहे अभियान पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। अवनीश अवस्थी ने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध पर सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। अवनीश अवस्थी ने बताया कि अभी तक इस अभियान के जरिए 2000 करोड़ की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जब्त किया गया है। हमारे साथ एसीएसओ अवनीश अवस्थी सर हैं। सर, 4 हफ्ते में 40 बड़े फैसले। जी, अभी जैसा आपको मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट के समक्ष सभी सीनियर ऑनरेबल मिनिस्टर्स के सामने हर विभाग का प्रेजेंटेशन किया गया। गृह विभाग का भी प्रेजेंटेशन अभी 3 दिन पहले हुआ है और गृह विभाग के प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिए हैं। तो 100 दिन के कार्य, 6 महीने के कार्य, 2 साल के और 5 साल के कार्यों पर विशेष रूप से हमें आदेश मिले हैं। सर, बदन सिंह बद्दो, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, अखंड सिंह, सबके ऊपर बुलडोजर चला और लगभग 2500 करोड़ की संपत्तियों पर चला दिया बुलडोजर आपने। जी, पिछले 2 साल में 2068 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है और जहाँ भी संपत्ति ऐसी है जिसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो नियमानुसार प्रॉपर ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन के बाद अवैध अगर निर्माण है तो उसको तोड़ा गया है। लखनऊ में अभी बहुत जल्दी माननीय न्यायालय ने ही पॉइंट आउट किया कि एसआई के मॉन्यूमेंट के 200 मीटर के अंदर 50 करोड़ के एक भवन बन गया था, उसका डिमोलिशन जो है किया, तो माननीय न्यायालय का सहयोग भी मिला। बहुत सारे मामलों में गैंगस्टर एक्ट में DMSP ने गाँव सभा की ज़मीनें खाली कराई हैं, गांव सभा की जमीन पे भट्टे खाली कराए हैं। तो ये पूरा एक बड़ा बृहद अभियान चल रहा है। भ्रष्टाचार पर भी कार्रवाई, आपने जो सोनभद्र के DM को सस्पेंड किया, गाजियाबाद के कप्तान को, औरैया के DM को, कई सारे असिस्टेंट कमिश्नर को, तो भ्रष्टाचार पर भी इस 100 दिन में, अभी तो 1 महीना पूरा हुआ, बड़ी कार्रवाई हुई है। जी, भ्रष्टाचार में बहुत सारे ऐसे पब्लिक रिलेटेड मामले हैं जहाँ लोगों ने जो है पॉन्जी स्कीम चला के फ्रॉड करके लोगों के पैसे जो है आम जन के पैसों को जो है दुरुपयोग कराया है। तो ऐसे मामलों में CBCID के मामलों में, SIT के मामलों में, विजिलेंस के माध्यम से, EOW के माध्यम से, तो हमारी जितनी स्पेशलाइज एजेंसी हैं STF के मामले से हम लोग बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। अभी हमारी रेलवे की पुलिस ने जो है 700 कारतूस पकड़ लिए जो इलीगल रूप से जो है यूपी बिहार में सप्लाई करने लोग जा रहे थे। तो हर तरफ कार्रवाई हो रही है, इलीगल हथियारों पर कार्रवाई हो रही है, इलीगल शराब पर कार्रवाई हो रही है, इलीगल माइनिंग पर कार्रवाई हो रही है। लाउडस्पीकर और टैक्सियों के खिलाफ आप अभियान चला रहे, CM ने भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कल आदेश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर पूरे प्रदेश में जहाँ भी इलीगल टैक्सी स्टैंड है, जहाँ भी लोगों से अवैध वसूली जो है गाड़ी के नाम पर की जा रही है, उस पर बहुत प्रभावी कार्रवाई हो। 30 तारीख तक सभी DMSP से रिपोर्ट मांगी गई है।